हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एबीबी इंडिया लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट आउट हो चुका है गाइस, और कंपनी जो है फिनांशियल दिसंबर महीने में होती है, इसलिए गाइस ये फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट है और नंबर करोड़ में है। हम लोग यहाँ पे गाइस इनकम की बात करें, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अदर इनकम को ऐड करके इस बार का इनकम है 3167.5 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 2835 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2483.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस हुआ है गाइज रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स कंजम्पशन और प्रोजेक्ट बाउट आउट्स के कॉस्ट में, स्टॉक इन ट्रेड के परचेज में, इन्वेंट्रीज जो कि फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस के इन्वेंट्रीज में डिक्रीज या इंक्रीज होना, जो कि इस बार का इंक्रीज हुआ है। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिनांस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस को ऐड करके इस बार का एक्सपेंस है 2550.4 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 2381.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2155.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 617 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 453.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 327.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 459.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 345 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 245 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। EPS 21.68 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी पेश किया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज रोबोटिक्स एंड डिस्क्रीट ऑटोमेशन, मोशन इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, अदर्स, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ है। तो गाइज यहाँ पे क्वार्टर एंडेड में बहुत अच्छी ग्रोथ है सभी सेगमेंट से। तो गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया। अगर हम इसके शेयर की बात करेंगे तो कंपनी का शेयर 7178.35 रुपीज़ पे क्लोज किया था, 2.7% का प्रॉफिट देखने को मिला है, और 1 वीक में 7% का प्रॉफिट दिया, 1 मंथ में 8% का, और 3 मंथ में 60% की प्रॉफिट दे चुका है, और 6 मंथ में 70% का प्रॉफिट है। तो गाइज कंपनी का जो रिजल्ट है, ये जो शेयर है गाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबाउट जोन में चल रहा है, तो इसलिए अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं गाइज तो वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस आ चुका है, ओवरबाउट देखने को मिला है, इसलिए गाइज आप इसमें वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि कंपनी 52 वीक हाई के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रही है, इसलिए गाइज आप इसमें वेट कीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर आप इसके शेयर ले रखेगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पेश किया। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।